और इस टोल के ऊपर जो है अपना धरना दिए बैठे हैं और पूरा जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो सामग्री चाहिए, जो साधन चाहिए वो जुटा रहे हैं। आंदोलन को पूरा जो भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ में विजेंद्र दौड़ा जेवरा से हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, जो बरवाड़ा भारतीय किसान यूनियन के बरवाड़ा अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन है हमारा ये 100% सफल है और ये ऐसा आंदोलन है जो इतिहास के अंदर आने वाले समय पे लिखा जाएगा। और मैं मोदी सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन ख़राब करने की आपने बहुत कोशिश कर ली, आपके जो प्रोपगंडे आपने रचाए थे वो सभी फैल गए। और हम जो कल बरवाड़ा गए थे इसार गए थे जोगीराम सिंह के, तो उनने पहले ही किसानों का समाधान किया हुआ था। मैंने पुलिस थी, बरनाग थी, हम हाँ तो किसान के बेटे हाँ, किसानों ने तो MLA बनाया था, वो तो हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी किस लिए? जोगीराम सिंह तो बार बार जो है किसानों को समर्थन देने की बात करते हैं, वो क्या है भाई साहब? समर्थन देने की बात करते हैं, समर्थन दो तो बीच में आके दो, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच आओ समर्थन दो और आज किसानों के पक्ष में वोट डालो। जोगीराम सिंह ने तो एक बयान ये भी दिया था कि जो बरवाड़ा के किसानों ने मुझे जो है विधायक नहीं बनाया, ये गलत बयान था उसका, उसने इस बयान पे माफ़ी भी मांगी है। चलो उसकी गलती होगी, जुबान है निकल जाता है। तो अब हम भाई से यही आशा करते हैं कि इस JJP को छोड़ के भाईचारा में आए जी, ठीक रहोगा, नहीं फिर गांव में बढ़ने नहीं देवाएं भाई, सीधी बात है। आज का जो रुख देख करके जो वोटिंग होनी है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें अगर जोगीराम सिहाग आपके किसानों के समर्थन में वोटिंग नहीं करते हैं तो क्या रुख रहेगा किसानों का? अगर आज वोटिंग नहीं करते हैं ना तो नू सोचले मारा तो गया, काला मुँह कर देंगे, गांव में बढ़ गया नहीं, उसकी गाड़ी और आदमी की कोई जिम्मेवारी नहीं भाई, हमारे पास कुछ भी नुकसान हो सीखा है। मैं पहला ये आश्वासन दूँ हूँ कि आज वोट नहीं डलिया नहीं, बरवाड़ा हल्का के अंदर दिखिए ना हो, आपका शीशा में गांव में चले जाओ। आप सुन पा रहे थे विजेंद्र धोड़ा जो भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान हैं, बरवाड़ा से जेवरा से हैं।